हेलो गाइस, तो अभी मैं एक्सरसाइज 5 को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, और जो भी कमांड्स हमने सीखे हैं उन सभी कमांड्स का यूज़ करके हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जिसकी डायमेंशन क्या है, 150 और 120। ओके, तो मैं रेक्टेंगल कमांड पर गया, वहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया और डायमेंशन मैं दे रहा हूँ इसकी 150 mm जो है उसकी लेंथ है, 120 mm ओके, मैंने क्लिक किया। ओके, तो मुझे ये रेक्टेंगल मिल गया। अभी उसके बाद मुझे ये लाइन चाहिए, जो जो डायमेंशंस आपको दिख रही हैं आप वो डायमेंशन मुझे ये लाइन मुझे ड्रॉ करना है, जिस जो टॉप से 30 mm ऑफसेट है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड पे गया, लाइन लिया जिसकी डायमेंशन है 120। ओके, और अभी मैं उस लाइन को क्या करूँगा, मूव कमांड सेलेक्ट किया, मूव कमांड पर गया, इसलिए उसके एंड पॉइंट से पकड़ के मैंने उसको ग्रिप करके उसके सेंटर पर मैंने उसको प्लेस किया। ओके, अभी मैं इस लाइन को फिर से मूव करूंगा, मूव कमांड पे गया। ओके, इसके सेंटर से मैंने इस लाइन को ग्रिप किया और मुझे 30 mm ऑफसेट करना है। ओके, अभी मैं इसी लाइन को फिर से ऑफसेट करूंगा, यानी कि इस लाइन का ऑफसेट लाइन मैं क्रिएट करूंगा 45 mm डिस्टेंस पर। ओके, तो मैं ऑफसेट कमांड पर गया। ओके, 45 mm का मुझे ऑफसेट करना है। ओके, तो अभी मैं 45 mm पर ऑफसेट करूँ। आप देख सकते हैं कि हम लोग हमारी ड्राइंग जो है वो बनाने के कंप्लीट करने के नज़दीक जाते जा रहे हैं। ओके, तो इतना जो ड्राइंग है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हमारा ये जो पोर्शन बाकी है, ओके, इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना। मैंने आपको बताया है कि अगर ये जो एंगल है ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है, ये एंगल है 150। ओके, तो ये एंगल भी होगा कितना, 150। ओके, तो मैं ये एंगल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस लाइन ये डायमेंशन गिवन है और ये डायमेंशन मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इंक्लाइंड लाइन दो पैरेलली बन रही हैं तो दोनों की लेंथ जो है वो बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं यहाँ से लाइन कमांड पर गया, मैंने इसके एंड पॉइंट पर क्लिक किया और मुझे एंगल देना है -180। अगर मैं क्लॉक वाइज चल रहा हूँ तो मुझे एंगल की वैल्यू देनी होगी नेगेटिव वैल्यू देनी होगी। अब और इसकी लेंथ कितनी है, 150। ओके, 150। ओके, तो 150 mm की मैंने लेंथ दे दी। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि इतना जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मुझे इस लाइन से 90 डिग्री पर, यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पर जो है मुझे यहाँ से 90 डिग्री बनाना है। तो मैं यहाँ से सारी कैलकुलेशन करूँगा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मुझे इस लाइन से 90 डिग्री बनाना है। ओके, तो ये 150 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूँ, ओके, 150 में से 90 माइनस कर दूँ तो मुझे रिमेनिंग एंगल जो बचा है वो कितना, 60। तो मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड पर गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये जो लाइन है वो 150 की आ रही है। ओके, एक्स एक्सिस से अभी मैं इस लाइन को क्रिएट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लेस देन -60। अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है ये इस लाइन से 90 डिग्री पे बनना है। ओके, और इसकी इसकी लेंथ कितनी है, जो कि यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है ऑफसेट वाली 45। ओके, तो इसलिए 45 पर मैंने क्लिक किया और अब आप देख सकते हैं कि मुझे ये वाला जो है लेंथ वो चाहिए। ओके, तो मुझे अभी ये वाला लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस फिर से कैलकुलेशन करता हूँ कि मुझे इस ये जो एक्स एक्सिस है मुझे इससे कितना अबव जाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया और तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई 180। ओके, 180 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूंगा तो यानी कि मेरे पास 30, तो मुझे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव 30 मुझे वैल्यू देनी है, पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव 30। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कंप्लीट मेरा बन चुका है। अभी मुझे ये लेंथ मुझे डायमेंशन नहीं पता थी, तो मैं इसको जहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है मैंने वहाँ तक उसको एक्सटेंड कर लिया है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा जूम करके जो भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज हैं मैं उनको इरेज कर लेता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ। तो ट्रिम कमांड के लिए ट्रिम कमांड बार में आप टाइप कीजिए TRNN। ओके, तो ये जो है वो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे जो ज्योमेट्रीज नहीं चाहिए थी वो मैंने इरेज कर दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो ज्योमेट्रीज नहीं चाहिए थी उन्हें तो मैंने इरेज कर दिया। अभी मुझे ये जो आप देख सकते हैं ये ग्रुप टाइप का ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर मुझे कुछ सेंटर नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, इस 150
जो मैं इसके सेंटर से ही बनाना इसको शुरू करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट पर गया, मुझे 150 का आधा मैंने किया तो कितना आया, 75 mm ऑफसेट डिस्टेंस पर मैंने इस लाइन को मैंने ऑफसेट कर लिया। ओके सॉरी, ऑफसेट कमांड को लिया। ओके 75 mm ऑफसेट करना है मुझे, किसको, मुझे इसको। मैंने 75 mm पर ऑफसेट किया, फिर से मैंने ऑफसेट कमांड लिया। अभी ये मुझे 30, मैं 50% इस तरफ ले लूँगा, 50% डायमेंशन इस तरफ ले लूँगा, यानी कि अभी मैंने ऑफसेट लिया 15 एंटर, इसको मैंने लिया और इसको भी मैंने ले लिया और मैंने इसको भी 15 ले लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 15 मिल रहा है। ओके, और जो भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज है मैं उन सबको इरेज कर देता हूँ। ओके टी आर डबल एंटर, फ्रेम कर देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ओके मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ओके तो जो भी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज थी वो मैंने इरेज कर दी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी डायमेंशनिंग बाकी है, तो डायमेंशनिंग के लिए DIM आप कमांड बार में टाइप कीजिए डायमेंशन के लिए, या फिर आप रिबन बार से डायरेक्टली डायमेंशन को ले सकते हैं। ओके तो पहले मैं लीनियर डायमेंशन बना लेता हूँ, फिर मैं अलाइन डायमेंशन बनाऊंगा। ओके तो मैंने डायमेंशन के लिए यहाँ से जो भी डायमेंशन थी वो मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डायमेंशंस जो भी लेंथ हैं वो मैं दे रहा हूँ। ओके अभी मैं अलाइन डायमेंशन भी ले लेता हूँ। ओके कुछ तो जैसे मैंने ये ली, मैं सॉरी ओ सॉरी, मुझे यहाँ से एंगुलर डायमेंशन देनी है, मुझे यहाँ से इसके और इसके बीच में 150। तो यहाँ से मैंने एंगुलर ले ली। ओके अभी मैं अलाइन ले लेता हूँ। ओके अलाइन ले ली मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके तो आप इस तरह डायमेंशन करके अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि सारी कमांड्स हम एक वन बाय वन प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, तो इससे हमारा जो ऑटोकैड में कॉन्सेप्ट होंगे वो हमारे क्लियर होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम कमांड्स को प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हम सारी ड्राइंग्स जो भी हमारे सामने आते जाएंगे हमारे दिमाग में पहले से ही एक इमेज बन जाएगी कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके थैंक यू।